हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पंजाब गवर्नमेंट के लिए एक सजेशन लेकर आए हैं। अगर इस सजेशन को अप्लाई कर दिया जाता है तो पंजाब में से क्राइम को कम किया जा सकता है, क्योंकि हम डेली न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया पे डेली हम जब कुछ देखते हैं तो सबसे पहले पंजाब में क्राइम बढ़ने की बातें सामने आती हैं। कहीं चोरी हो गई तो ऐसी बातें देख के लगता है कि पंजाब में क्राइम लगातार बढ़ रहा है। तो जो सजेशन मैं लेकर आई हूँ, इससे हम अपने पंजाब से क्राइम को कम कर सकते हैं। तो इस सजेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि जो चैनल हमने बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके कनाडा के बारे में, सभी वीज़ा के बारे में। नई अपडेशन हम डेली देते हैं आपके लिए। तो अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो शुरू करते हैं। आपने देखा ही होगा कि पंजाब में क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको देखते हुए हम पंजाब सरकार से बेनती करने जा रहे हैं कि अगर वो हमारे सुझाव के ऊपर विचार करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में पंजाब में से क्राइम को कम किया जा सकता है। क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऑलरेडी कनाडा में फॉलो किया जा रहा है, वहाँ से सिस्टम चल रहा है और इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा भी नहीं आ रहा। तो ये सिस्टम ये है कि क्राइम स्टॉपर डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, जिसके ऊपर डायरेक्ट गवर्नमेंट का अधिकार होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर काम करना चाहिए। क्राइम स्टॉपर डिपार्टमेंट, इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कोई भी जो सरकार है उसके लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो पूरे पंजाब में हो रहे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ऊपर अपनी निगाह रख सके। तो पूरे पंजाब की एक्टिविटी, जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, उनके ऊपर निगाह रखने के लिए क्राइम स्टॉपर डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप जो पंजाब के लोग हैं उनको टेलीफोन के द्वारा कंप्लेंट करने की सुविधा देनी चाहिए। वो टेलीफोन मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है और सेल फोन भी हो सकता है, और उनको अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा जाना चाहिए, उनका एड्रेस वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो क्राइम स्टॉपर स्टाफ है उसके ऊपर जो कार्रवाई करेगा वो पुलिस स्टेशन या फिर मोबाइल पेट्रोल को आदेश देगा रिपोर्ट करने के लिए। तो फिर ऐसा करने से जो स्टेट लेवल के ऊपर जो धोखाधड़ी हो रही है, रॉबरीज हो रही हैं, उनके ऊपर काबू किया जा सकता है। इन शॉर्ट क्या है, जो लोग शिकायतें करते हैं उनका नाम गुप्त रखना चाहिए। तो इससे काफ़ी हद तक पंजाब में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। इसका ऑफिस जो है वो हाईली सिक्योर एरिया में होना चाहिए, जहाँ तक पुलिस जहाँ पब्लिक है वो वहाँ पर ना पहुँच सके, हाईली सिक्योर एरिया में होना चाहिए। तो इसमें इसके स्टाफ में कौन होना चाहिए, इसमें स्टाफ में क्या है कि मेन पक्का स्टाफ तो नहीं रखना चाहिए, जो नौजवान लड़के या लड़कियाँ भी हो सकते हैं, और इनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई ड्रेस कोड होना चाहिए। अगर इनका कोई स्पेशल ड्रेस कोड होगा या यूनिफॉर्म होगी ना, तो जो हफ्ता भरने वाले होते हैं वो वहाँ ईजिली पहुँच सकते हैं। सो इनका कोई ड्रेस कोड नहीं रखना चाहिए ताकि ये जो हफ्ता भरते हैं उनको इनकी कोई इन्फॉर्मेशन ना ही मिले। और ऑफिस में ड्यूटी हम यहाँ पर साबका फौजियों की लगा सकते हैं, जो रिटायर्ड फौजी हुए हैं उनकी ड्यूटी इनके ऑफिस में लगाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं खर्चे की। अगर ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। इस काम का जो कंट्रोल है वो पूरे पंजाब में एक जगह पे होगा, तो 3 शिफ्ट में काम किया जाएगा, 6 स्टाफ मेंबर होंगे, वो भी विद 1 रिलीफ के ऊपर, 2 लैंडलाइन फोन होंगे और रिकॉर्डिंग अपार्ट्स होंगे, और स्टाफ के ऊपर निगाह रखने के लिए कैमरा सिस्टम की जरूरत होगी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना खर्चा आएगा, थोड़ा मेरे हिसाब से तो कम ही खर्चा आएगा इसके ऊपर। तो ये जो है क्राइम स्टॉपर डिपार्टमेंट अगर हम बना लेते हैं तो इससे पंजाब में क्राइम को कम किया जा सकता है।
अगर इसके रिगार्डिंग आप हमारे कनाडा ऑफिस में बात करना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 1604-765-5008 पे कॉन्टैक्ट करके बातचीत कर सकती हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे और सबको इस जगह के बारे में पता लगना चाहिए ताकि पंजाब में से क्राइम को ख़त्म किया जा सके और पंजाब में शांति बनी रहे। सो और ज़्यादा पढ़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।